सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी हंटर में सम गार्ड, जो कि मैंने संचेती ऑटोमोबाइल करके एक शॉप है वहां से परचेस किया है, और ये मुझे पड़ा है 1200 रुपए का। जो जेन्युइन सम गार्ड आता है आरी का, वो पड़ता है लगभग 3000 का, और ये मुझे पड़ा है 1200 का। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये देख पा रहे हैं, ये है माउंट और ये रहा हमारा सम गार्ड। काफ़ी लाइट वेटेड मुझे फील हो रहा है, आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे, और यहाँ पे हंटर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसकी पन्नी को अलग करते हैं। तो ये रहा भाई हमारा सम गार्ड। इसकी क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा चीप है, बहुत ही नाजुक सी क्वालिटी लग रही है मुझे इसकी। तो यार बहुत ही ज़्यादा हल्का लग रहा है, कोई वजन नहीं है इसमें, और आवाज़ आप सुन पा रहे हैं ना कैसी गूंज रही है आवाज़। बहुत ही चीप क्वालिटी है यार ये, बट अब ठीक है, जो आ गया आ गया। अब इसको करते हैं बाइक में इंस्टॉल, तो चलते हैं बाइक के पास। ये रही मेरी बाइक, उसमें ये दो माउंट मिले थे ना, एक माउंट लगेगा यहाँ पे और एक लगेगा नीचे साइड। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये नट, ये वाला नट देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक माउंट यहाँ पे लगेगा, तो दोनों माउंट पे वो टाइट हो जाता है। तो ये जो माउंट देख पा रहे हैं, एक छोटा ये लगेगा फ्रंट में, और बड़ा वाला जो है वो लगेगा पीछे। तो यहाँ पे ये पहले भैया पीछे वाला लगा रहे हैं। और यहाँ पे अब लगेगा आगे वाला। तो आप देख पा रहे हैं ये माउंट हमारे दोनों लग चुके हैं, ये रहा फ्रंट वाला और ये रहा पीछे वाला। तो अब इन पे ये जो सम गार्ड है वो इस तरीके से कसा जाएगा। तो ये हमारा सम गार्ड है, ये अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है, बट अभी इसमें दिक्कत ये आ रही थी। मैं अभी शोरूम से यहाँ तक आया तो हल्की घन घन हमिंग साउंड थोड़ा आ रहा है, तो मतलब वो एक तो इसकी क्वालिटी पतली है ना, तो वो मज़ा नहीं आ रहा इसमें। तो अपन इसमें लगाने वाले हैं ये रबर के बुश सम गार्ड के, और उसके जो माउंट है इनके बीच में अपन ये रबर के बुश लगा देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो अपन कसा है ना अंदर साइड, सम गार्ड और जो माउंट है इन दोनों के बीच में अपन ये रबर के बुश हैं, ये अपन लगा के फिर इसको टाइट करेंगे। तो अब चलिए इनको खोलते हैं। और यहाँ पे नीचे भी पीछे वाला सारे हम खोल लेंगे और बुश हम लगा देंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने बुश जो है वो लगा दी और अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ, ये जो आप रबर देख पा रहे हैं ये बुश ही हैं, वो काफ़ी टाइट करने की वजह से ये थोड़े चपटे से हो गए हैं। और ऐसे ही मैंने ये फ्रंट में भी कस दिए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से दिख रहा होगा। तो अब क्या था, जो पहले जो आवाज़ आ रही थी ना, जो हमिंग साउंड थोड़ा सा आ रहा था ना, अब वो अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं आता है कि नहीं। तो अभी जो साउंड था वो काफ़ी कम है, काफ़ी हद तक कम है, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। अगर आपने लोकल वाला लगाया है ना सम गार्ड, तो आपको पता होगा कि कैसा साउंड आता है, बट अभी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आप भी ये लोकल सम गार्ड लगा रहे हैं तो आप भी ये रबर के बुश हैं ये आप लगा सकते हैं, जिससे जो हमिंग साउंड है ना वो साउंड आपको फील नहीं होगा और अच्छे से आप राइडिंग का आनंद ले सकेंगे। तो बस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।